इंदौर के दीपक नगर पिपलियाहाना में भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथावाचक राकेश व्यास ने भागवत कथा का आयोजन किया है। शहर के रहवासी इस कथा का आनंद ले रहे हैं, साथ ही धर्मप्रेमी जनता की भारी भीड़ यहां देखी जा सकती है। भागवत कथा का रसपान रोज क्षेत्र की धर्मप्रेमी जनता के लिए दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। भागवत कथा के आयोजन पटेल और यादव परिवार की ओर से ये आयोजित जो कार्यक्रम है ये चल रहा है। आज की भागवत कथा के विशेष अतिथि रूपेश जायसवाल थे। इंदौर से नरेंद्र शिंदे की रिपोर्ट। यहाँ तेरे नारायण ने तुझे बचा लिया तो अब तो नहीं बचेगा। फिर से उसे कहा कि इसे ले जाकर के पागल हाथी के सामने फेंक दो। प्रहलाद को पागल हाथी के सामने खड़ा कर दिया तो प्रहलाद ने भी एक बार बोली, ठीक है, आगे आगे आप हैं और पीछे पीछे, क्योंकि भरोसा बहुत बड़ी चीज थी प्रहलाद को। अब पागल हाथी प्रहलाद को देख करके हिलने लगा, चिंघाड़ मारने लगा, तो प्रहलाद ने दोनों हाथ जोड़ करके क्या बोला, मारने वाला